अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। पांच चीजें बताने जा रहा हूँ जो आपको माइंड में रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एंट्री टेस्ट, ठीक है? याद कर लो, सबसे पहला पॉइंट कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम योर FSC। जब आप लोग FSC कर रहे होते हो, सॉरी टू से बट FSC में सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है, यहाँ से उठाओ यहाँ पे डाल दो। बहुत से स्टूडेंट इससे निगलेक्ट करेंगे, बट यार मैं पढ़ के आया हूँ, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे जानने वाले इतने कर रहे हैं, ठीक है, मैट्रिक, बट FSC यहाँ से उठाओ यहाँ पे चीजें रख दो, आपका FSC हो जाता है, ठीक है? तो मतलब आपको तरीका आता सॉल्व करना, लेकिन मैं कहता हूं अगर 90% बच्चों को 90% फेल बच्चे फेल हो जाएंगे अगर उन्हें कोर्स के अंदर से ही दिया जाए क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन मतलब कोई और, मतलब जो आपका सिलेबस है उसके अंदर से क्वेश्चन हो लेकिन क्वेश्चन बुक के अंदर ना हो, तो 90% बच्चे फेल हो जाएंगे, ठीक है ना? तो भाई इट्स डिफरेंट फ्रॉम योर FSC। बहुत से स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट में इसलिए फेल हो जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स को मुश्किल भी इसलिए लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस आता है। आउट ऑफ सिलेबस एक्चुअली नहीं आता, बच्चे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस एक्चुअली नहीं आता। आता कहां से है? आता आप लोगों की बुक से ही है, बट क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं। क्वेश्चंस सेम टू सेम आपकी बुक से उठा के नहीं देते, वो उसे थोड़ा चेंज करके देते हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग कि मैं अब इस चीज से बाहर निकल चुका हूं कि मैंने बुक वाला क्वेश्चन ही रट्टा लगाना और वहां जाके वही आएगा। बच्चे बुक की लाइंस याद कर रहे होते हैं कि लाइन को हाईलाइट करके कि ये लाइन सेम टू सेम आ जाएगी। मतलब जैसे प्रेशर की डेफिनेशन होती है, पता नहीं फोर्स पर यूनिट एरिया, मुझे भूल चुकी हुई है, तो पावर की होती है या पता नहीं किसकी होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया तो वो प्रेशर हो जाता है, ठीक है? तो बच्चे इस चीज को रट्टा लगा रहे होते हैं यही आएगा हमें, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा न्यूमेरिकल आ जाता है, थोड़ा सा घुमा के आ जाता है, थोड़ा सा ये चीजें आ जाती हैं। तो आप लोग ज़हन में रख लो कि अब डिफरेंट गेम है और इस गेम को उठाने के लिए वी हैव टू ट्राई डिफरेंट वे। हमें सेम जगह पे नहीं चलना, सेम रास्ते पे नहीं चलना FSC वाले तरीके पे, वरना फेल हो जाएंगे और बहुत से बच्चे इसीलिए फेल हो जाते हैं। नंबर सेकंड थिंग इज प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो इट्स नॉट अ गुड थिंग कि प्रैक्टिस ना करना एंट्री टेस्ट के लिए। जब आप बुक से पढ़ लेते हो ना, PTB की बुक्स बहुत अच्छी होती है, मैंने आपको बताया जो होती हैं ये FSC वगैरह की, बहुत अच्छी होती है, बट इससे एंट्री टेस्ट आता नहीं है। एक बार पढ़ ली, अब तैयारी कहां से करें, प्रिपरेशन कहां से करें, ठीक है, प्रिपरेशन कर ली, सॉरी प्रैक्टिस कहां से करें। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल है, उनसे प्रैक्टिस करके जाना इज वेरी जरूरी, क्योंकि आप लोगों को एक तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे कि एक क्वेश्चन को किस तरह डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है। आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि भाई मेरी तैयारी है, ठीक है, और आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी कहां पे मैं गलत हूं। एक प्रैक्टिस से इतना कुछ निकल आता है, ठीक है ना? तो भाई आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, करो। मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट जो मुझसे डायरेक्टली आके पूछते हैं, उन्हें प्रैक्टिस 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 एक ही बात कहता हूँ, इट्स द गेम ऑफ प्रैक्टिस। वहां जाओगे ना एंट्री टेस्ट देने तो पता चलेगा कि प्रैक्टिस कितनी हमने अच्छी की थी, तो हमें फायदा हुआ है। प्रैक्टिस की वजह से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, प्रैक्टिस की वजह से सब चीजें हो जाएंगी, वहां पर नर्व्स कंट्रोल हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हर चीज की ये जड़ है प्रैक्टिस, ठीक है ना? नंबर थर्ड थिंग इज नर्व्स। एंट्री टेस्ट में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, एंट्री टेस्ट सिर्फ पढ़ाई की गेम नहीं है, आपकी नर्व्स की गेम भी है। नर्व्स मतलब कॉन्फिडेंस होना अपने ऊपर, वहां बैठ के जब एंट्री टेस्ट दे रहे हो तब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, तब डरना ना, डर एक डर की वजह से वहां बैठ के जब एंट्री टेस्ट दे रहे हो वो जो डर है आपके अंदर वही आपका कितनी चीजें खराब कर देता है, ठीक है? तो अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है। एंट्री टेस्ट इज द गेम ऑफ नर्व्स, ठीक है, बहुत कॉम्पोनेंट्स हैं, नर्व्स भी इसमें आती है। वहां पे बैठ के डर जाओगे, सहम जाओगे, लेट पहुंचोगे, या फिर एकदम आपका अगर माइंड ऑफ हो गया ना भाई किसी डर की वजह से या किसी प्रेशर की वजह से, तो आपका सारा वो 3 घंटे जाया हो जाने और एंट्री टेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अपनी नर्व्स को कंट्रोल करो। चौथी थिंग टाइम मैनेजमेंट। आप जब एंट्री टेस्ट देने जाते हो ना, ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। वहां जाकर 3 घंटे में आपने MCQ सॉल्व करने हैं या 2 घंटे में करने हैं, और इतने MCQs होते हैं कि एक MCQ में 40-45 सेकंड ही मिलते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। देखो टाइम मैनेजमेंट के लिए ना आपने क्या करना होता है कि अपने आप को इवेल्युएट करना होता है, और इवेल्युएशन के लिए क्या जरूरी होता है, पहले बेसिक सी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। क्या कि देखो आप जब एंट्री टेस्ट देने जा रहे हो, आपने कैलकुलेशन कर ली, इतने MCQs हैं, इतना टाइम है, डिवाइड करो, देखो अच्छा एक MCQ पे इतना टाइम आ रहा है, वो आपने देख लिया। वो देखने के बाद आपने देखना है कि मैं थोड़ा सा इस टाइम से कम टाइम दूं ताकि मेरे पास एंड में थोड़ा टाइम बचे भी, या अगर किसी MCQ में खुदा ना खासा ज्यादा टाइम लग जाता तो वो कैटर हो जाए किसी तरह। इस तरह से हो जाए कि कुछ MCQs लेंथी होते हैं, मुश्किल होते हैं, उन्हें मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। तो मुश्किल MCQs, मीडियम MCQs, इजी MCQs, उनके लिए कैलकुलेशन आपने बेसिक सी पहले से की होंगी ना, तो आपको समझ आ जाएगी चीजें, आप वहां जाकर अच्छा परफॉर्म कर लोगे, रेदर देन द पर्सन जो बिल्कुल तैयारी टाइम मैनेज कर लेंगे, देखी जाएगी, फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। एक एक MCQ को 15 मिनट लगा रहे होते हैं बच्चे, आंसर आता है, बड़ा खुश होते हैं, वाओ आंसर आ गया, मैच कर दिया, टिक लगा दिया। यार एक MCQ सही लगा के आपने जो 15 MCQ का टाइम पीछे खा लिया वो भी तो देखो ना, तो आप तो एक्चुअली पीछे रह गए उस स्टूडेंट से जो तेजी तेजी में, बेशक उन्होंने 15 MCQ में से 3 गलत लगा दिए हैं, लेकिन वो आपसे आगे हैं इस वक्त। तो अपनी टाइम बहुत ज्यादा मैनेज करना ही इट्स जरूरी। एंड द लास्ट थिंग इज फोकस। फोकस करो अपनी सारी जितनी भी आपकी
पर्सनैलिटी टेस्ट है, आपको बहुत चीज़ों को नो कहना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी की कौन सी फील्ड में जाना है, आपको पता होना चाहिए मैंने एंट्री टेस्ट देना है, कौन सी एकेडमी से तैयारी करनी है, मैंने कौन सी यूट्यूब चैनल देखने हैं जिससे मुझे मजीद इन्फॉर्मेशन मिले एंट्री टेस्ट के बारे में, मैंने अब्दुल मोईज़ आसिफ को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, मुझे बहुत बातें पता चलेंगी, मजाक कर, ठीक करना चाहो तो कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब कर देना, 10,000 होने वाले हैं, जल्दी से करवा दो यार, ठीक है। अच्छा तो यही था यार आज की वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।